कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और खैर, आप नजम सेठी साहब खैर इस टाइम खैरियत से नहीं है। जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं अपनी पिछली वीडियोज में बता रहा था आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज देखी हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़क्का अशरफ का आना मुमकिन हो सकता है नजम सेठी की जगह। और मैंने आपको फैक्ट्स भी बताया कि क्यों नजम सेठी साहब को चेंज किया जा सकता है। और क्या कहते हैं कि जो ज़क्का अशरफ साहब हैं, ये 2011 से 2013 ये इनका इरा था। और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब ज़क्का अशरफ साहब आए थे। और खैर, ये एंटी जो उनसे कहते हैं एंटी इंडिया ज़्यादा खेलते हैं ये। और उसके बाद ही 2014 में इनको चेंज कर दिया गया था और उन्होंने रिप्लेस कर दिया था। नजम सेठी साहब आ गए थे और इनकी जगह। और उसके बाद जी क्या कहते हैं, नजम सेठी साहब का यानी कि चेयरमैन रहे नजम सेठी साहब, ज़क्का अशरफ साहब बस तब तक आए हैं। और अब जी क्यों, चूँकि पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत चल रही है और वैसे तो गवर्नर की मर्ज़ी से होनी चाहिए ये चीज़ें हैं, लेकिन जी हमारे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से ये चीज़ें होती हैं। और आपको पता है कि जो क्या कहते हैं, जो स्पोर्ट्स के जो यानी कि हैंडल है ना इस टाइम, यानी कि जो स्पोर्ट्स हर किसने जिसने हैंडल किया हुआ पाकिस्तान में, जो वजारत है वो जी पीपल्स पार्टी के पास है। और ज़क्का अशरफ साहब जो उनसे हैं वो जी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। और ओबियसली जो क्या कहते हैं वजारत उनके पास है, जाहिर सी बात है फिर वो अपना यानी कि बंदा लेके आएंगे। तो जी अब जी मामला इस तरह के हुए हैं, एक रात को एक बड़ी एक क्या कहते हैं बड़ी खैर, नजम सेठी साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं जी पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। अगर इनकी जो अभी जो रिसेंटली एशिया कप के हवाले से इनकी जो कामयाबियाँ और चैम्पियन ट्रॉफी को लेकर जो ये मामला कर रहे थे और चैम्पियन ट्रॉफी को लेकर इन्होंने अपना एक क्या कहते हैं एक इमेज सेट किया हुआ था और इंडिया के सामने डट गए थे, तो मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने भी इस तरह किया स्टैंड लिए हैं। और हर पॉजिटिव चीज़ें भी सामने आई हैं यार, उन्होंने इतनी यानी कि कामयाबियाँ समेटी हैं, तो फिर भी पता नहीं इनको क्यों यानी कि रिप्लेस कर दिया गया। और आपको पता है कि जब कोई चीज़ें रिप्लेस होती है ना पाकिस्तान में, तो पिछली पॉलिसीज़ ख़त्म हो जाती हैं, पिछली यानी कि जो उसका जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो खैर ख़त्म हो जाती हैं। तो खैर, नजम सेठी साहब बड़े अच्छे इंसान थे और सॉरी हैं, थोड़े चेयरमैन ही छुटे हैं, तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं और इनको अप्रिशिएट करना तो खैर हर किसी का हक है। और खैर, मैं आपको बता रहा था कि रात को खबर आई उनकी तरफ से, एक ट्वीट सामने आई नजम सेठी साहब की तरफ से। और जी जो ट्वीट है वो ये सामने आई है, नजम सेठी साहब ने रात को ट्वीट किया था कि सलाम एवरीवन, आई डोंट वांट टू बी अ बोन ऑफ कंस्ट्रक्शन बिटवीन आसिफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ, सच इंस्टेबिलिटी एंड कंसर्टेनिटी इज़ नॉट गुड फॉर PCB। जो इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, और अंडर दी सर्कमस्टांसिस आई एम नॉट अ कैंडिडेट फॉर चेयरमैन ऑफ PCB, गुड लक टू स्टेक होल्डर्स। तो खैर, उनको भी जाहिर सी बात है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, एवरीथिंग उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, और ये मामला एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, हाइब्रिड मॉडल के हवाले से और अहमदाबाद के हवाले से, तो जाहिर है उन्होंने इतनी कोशिशें कहीं और एकदम से उनको निकाल दिया गया, तो ये तो खैर एक दुख की बात है और बड़े यानी कि अफसोस की भी बात है। और ये खैर इस तरह के जो मामला चलते हैं PCB में कि कभी किसी को चेयरमैन ले आना, कभी किसी को ले आना, तो ये हर मामला ठीक नहीं होता है। और खैर जाहिर सी बात है फिर PCB को भी फ़र्क पड़ता है, पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ती हैं और खैर बड़ी चीज़ें फिर चलती हैं फिर PCB में, तो ये तो खैर मामला इस तरह के चले। खैर इनके यानी कि जब ये ट्वीट सामने आई तो इस तरह फिर लोगों के भी बयान सामने आने लगे और लोगों ने बड़ी जी हमदर्दी का मुजाहरा किया नजम सेठी साहब के साथ। अगर मैं बात करूं जब Big 3 का जो मामला चला था उसके बाद ही नजम सेठी साहब को खैर इतना पसंद नहीं था किया जाता, क्योंकि एक कॉन्ट्रोवर्सी चली उनके ख़िलाफ़ और उन्होंने बोला पाकिस्तानी अवाम और खैर सियासतदान और दूसरे जो जितने भी खैर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला कि नजम सेठी साहब ने बिल्कुल ठीक नहीं किया और जी ये तर्दे करने इंडिया गए और बड़े मामला चले और इन्होंने Big 3 क्यों मंजूर किया। फिर नजम सेठी साहब ने उसके बाद मामला बताया कि जी बात ये थी सारी, इस दफ़ा उन्होंने बताया कि जी मैंने तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को बहाल करने के लिए पाकिस्तान के साथ ये चीज़ें की। खैर वो जो किया उन्होंने जो डिसीजन लिए उस पर खैर उस तरह काम ना हो सका इंडिया की तरफ से, इनकी तरफ से तो खैर उन्होंने कोशिश तो की लेकिन कोई कोशिश भी नहीं करता।
तो खैर अब जॉन से क्या कहते हैं इनके फैंस हैं उनको उनकी तरफ से खैर इनको बड़ी बड़ी यानी कि ट्विटर पे बड़े पॉजिटिव मैंने पहली दफ़ा देखा नजम सेठी साहब के लिए बहुत पॉजिटिव यानी कि लोगों के ख्यालात हैं लोगों के जज्बात हैं और ट्वीट्स भी बहुत पॉजिटिव आई। देखा जी एक ऐसी ट्वीट आई थी थैंक यू नजम सेठी फॉर गिविंग अस PSL bringing international cricket back in Pakistan and also bringing back Asia Cup to Pakistan। तो ये बिल्कुल ठीक बात बोली है जिसने भी बोली है। तो नजम सेठी साहब का खैर जाने का सबको अफसोस है क्योंकि बहुत कोशिशें की थी बाकी काफ़ी लोगों ने खैर अपने ख्यालात का मुजाहरा तो खैर किया ही है। और एक साहब कहते हैं कि जी दिसंबर 2022 में रमीज राजा साहब आए थे और जनवरी 2023 में नजम सेठी साहब आए थे और जुलाई 2023 में आर न्यू चेयरमैन मोस्ट लाइकली ज़का अशरफ यानी कि जो अपकमिंग जुलाई आ रहा है उसमें जी यही सारे कह रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब को ऑब्वियसली क्योंकि पहले भी खबरें चल रही थी तो अब ज़का अशरफ साहब आ रहे हैं और एंड आई एम श्योर इफ पीपल्स पार्टी डज नॉट विन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन और वी विल सी अनदर चेयरमैन PCB यानी कि एक यानी कि लोगों की तरफ से भी एक मैंने आपको पहले बोला था कि PCB के लिए चीज़ें ठीक नहीं है और नजम सेठी साहब ही कह रहे हैं कि PCB के लिए चीज़ें ठीक नहीं है कि कभी आप किसी को चेयरमैन को ले आओ कभी आप किसी को ले आओ कभी आप फिर किसी को ले आओ। तो ये भी हर फैंस की तरफ से भी यही रद्दअमल सामने आ रहे हैं कि अब लगता है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर नहीं अगर जीतते वो इलेक्शन उसके बाद ये एक और चेयरमैन आ जाएगा। तो खैर बस ये मामला इसी तरह ही चलते खैर चलने हैं। और खैर एक और मैं आपको बात बताऊंगा जी अहमद शहजाद साहब कहते हैं जो खैर क्रिकेटर रह चुके हैं पाकिस्तान के अभी भी ये हैं लेकिन खैर उनको कोई खिलाता नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी अब मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान टीम में वापस आने वाला हूँ। पता नहीं अब ये बयान क्यों इस तरह के सामने आ रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ियों की तरफ से प्लेयर्स की तरफ से। तो ये बयान सामने आया अहमद शहजाद साहब की तरफ से कि मैं वापस आ रहा हूँ कि जी लोगों ने खैर जहाँ जहाँ नजम सेठी साहब को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है वहाँ जी जो मीमर्स हैं उन्होंने मीम्स ही बनाना स्टार्ट कर दी कि आपके सामने आ कि जेशा साहब की उन्होंने मीम बना दी कि जेशा साहब भी जनाब वो एक क्या कहते हैं उन्होंने करेक्टर उनको दिया हुआ है। खैर बड़े लोग खैर मजाक भी उड़ा रहे हैं और बड़ी हर चीज़ें सामने आ रही हैं और खैर अब देखते हैं कि जी क्या हालात बनते हैं आगे पाकिस्तान के और पाकिस्तान PCB के क्या हालात बनते हैं। और मिसबा हक साहब का भी कल एक बयानिया सामने आया कि वो कहते हैं कि जी इस दफ़ा 2023 में उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया कि जी 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का जो फाइनल है वो मैं देख रहा हूँ। तो अल्लाह करे जी इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल सामने आए और खैर हमारे लिए दुआ यही है कि कोई भी चेयरमैन आए किसी किस्म की खैर तो एकदम से चीज़ें नहीं चेंज करनी चाहिए लेकिन अब चेंज हो ही गई हैं। तो हमारी दुआ यही है कि जी पाकिस्तान के लिए PCB खैर जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसके लिए खैर वो चेयरमैन यानी कि अच्छा ही साबित हो और हर कोई चेयरमैन कोशिश करता है अपनी तरफ से कुछ की खैर क्या कहते हैं कुछ के कार्ड खेले जाते हैं कुछ के नहीं खेले जाते। तो ऐसे ही मामला था बाकी है कि अब हमारी खैर बेस्ट विशेज यही है हमारे पाकिस्तान टीम के साथ कि वो वर्ल्ड कप 2023 जीत के इंडिया में और जी जो एशिया कप है वो भी इस दफ़ा हमने जीतना है क्योंकि पहले हमने बड़ी हारें देख ली हैं जी फाइनल में आके। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हमारी टीम विन करेगी दोनों टूर्नामेंट्स। और इसी के साथ जी वीडियो का टाइम जी ख़त्म हुआ हमेशा की तरह। तो अच्छा जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना लाजमी ना भूलिएगा और लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।